अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं इतनी वरीड क्यों दिख रही हूँ। ये देखो, मैंने मेहंदी लगवाई है और ये हो गया, दोनों साइड पे दोबारा हो जाएगा। भाई अब बताओ अब मैं क्या करूँ। ईद की सुबह सुबह जो है ना, ये वाले मसले हो जाए तो मुश्किल है कबीरा। तो भाई अब हम जाके रेडी हुए हैं, आज पूरा दिन इसी तरह करा है मसरूफ, और अभी भी गेस्ट आए हैं, गर्मी भी हो रही है। ईद पे गेट टुगेदर वो खराब है, होता है एक मौका जिसपे आप कोई ना कोई सेलिब्रेट करते हैं। अब हम अपने टीचर के घर जा रहे हैं, हमारी मैम, वो हर साल जो है ईद गेट टुगेदर प्लान करती हैं, और आज उन्होंने डे वन पर प्लान किया है गेट टुगेदर। हमने कहा चलो चलते हैं और साथ साथ ब्लॉग में ऐड भी करते हैं। तो ये देखिए हमारी दावत शुरू हो चुकी है, और ये हमारा फेवरेट हलीम और कोरमा। अब बीच में जैसे मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो भाई हम अपनी वीडियो तो बना लें। अब बाकी लोगों के सामने जो है ना व्लॉग बनाना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। यहाँ से फ्री होके हम लोग गए चाय के लिए। तो अभी अभी हम लोग वापस आए हैं, आज काफ़ी लॉन्ग डे था ईद डे वन, और अल्हम्दुलिल्लाह से ईद डे टू भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब करेंगे थोड़ी रेस्ट और सुबह के प्लान्स हैं अलग, सो लेट्स सी कहाँ तक चलती है बात। जी आज है ईद डे टू और अभी मैं जा रही हूँ उपासना की तरफ। उपासना के साथ आज हमारा प्लान है ब्रंच का, सो लेट्स सी किधर को चलते हैं। तो अभी अभी हम पहुँच गए हैं सलाला गार्डन्स मॉल, यहाँ का ही प्लान बना एट दी एंड, सो मिलते हैं। ये है जी सलाला गार्डन्स, तो दिस इज़ इट। अभी सब खावे खरगोश में हैं या फिर पिकनिक प्लान कर रहे हैं, और हम लोग इधर हैं, और हम आ गए यहाँ कैफ़े में। ये जी अब सारे कैफ़े शुरू हो रहे हैं। रोलैप का प्लान बना जी, फाइनलाइज हुआ है। तो मेरी फ्रेंड्स अपना शूट कर रही हैं और मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो तब तक मैं भी अपना व्लॉग जो है थोड़ा थोड़ा बना लूँ, और ये भाई हमें व्लॉग बनाते हुए देख रहे हैं। ये वंस इन अ ब्लू मून प्लान ही बनता है ब्रंच या ब्रेकफास्ट का, क्योंकि यूजुअली इवनिंग प्लान्स ही होते हैं हमारे। तो हमने कहा चलो आज हम ब्रंच करते हैं एक साथ ईद डे टू पे। हाय, हम लोग हैं प्रोलैप में और यहाँ जो है ब्रंच के लिए आए हैं, और अभी ये दोनों तो अपनी वीडियोस बना रही हैं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और खाना आ चुका हुआ है फाइनली, फ़ोटोशूट के बाद हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, और उपासना अभी भी फ़ोटो जो है इसमें लगी हुई है, कैमरा की आँख आपको देख रही है। सुबूही आपकी तरफ कैमरा आ रहा है, हाय सुबूही। सुबह ही एज यूजुअल क्यूट लग गई है, क्यूटी पाई। और आप तुम्हारी तो कैसी पिंक मावो लग रही है, अप्सरा। ओह रियली, ऐसा करो प्लीज। और उपासना आपके जो आपने ये शेड लगाया है ना, आई रियली लाइक इट, मैं भी नेक्स्ट ट्राई करने वाली हूँ। आज डिस्कवर मिला मुझे, दिखा मेरे पास है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया अभी। मुझे थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री लैब याद आ रही है। And in different place they do it in a different way. I like the spirit lamp, please give it to me, I need in dental lab. Really? Yeah, you can also. Where did you get it from? It's from Dubai.
This is called a micro burner. It's refillable gas. Yeah, like you can refill it's really it. इसका स्लोमो लो। हम लोग हैरानगी से देखते हुए जैसे कि हम पहली बार एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। नहीं भाई, हम केमिस्ट्री लैब में सारा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। So now it's already boiling. Then you control the fire. And then I'm gonna pour the coffee. If you want, you can do also. देख लो भाई, कॉफी बनाने में भी केमिस्ट्री यूज हो रही है, ये सारे प्रोसीजर। So this is a Japanese technique, right? Yes. And this coffee is known as espresso. Siphon coffee only. Yes. And then you will. So this is the main part of barista, to dilute it with the coffee. Yeah. And if you know, if you want to know your coffee is fresh or not, it can be seen from the bubbles that you get. How much crema you get, that means how much fresh is your coffee. So normally, if you go to any cafe, you can always ask them if your coffee is fresh, or you can ask the roasting. That is what lacking when I say, yeah. Yeah, small things are there. Yeah, it's a very, it's a basically an art, no? In chemistry also, because if the you don't roast it properly also, then also it. अब फिर जी हमारा इवनिंग प्लान ईट डेज पे यही होता है। तो अब जी हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठेंगे और ये रहा हमारा खाना। ये देखिए स्टीम्ड लैम अलोंग विद पुलाव, बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन। बाकी खाने को हम लोग साथ में गर्म कर रहे हैं और हम लोग इसकी जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टॉक जो है वो चल नहीं रहा। और आफ्टर फूड ये तो एसेंशियल है, चाय चाहिए। कौन सी जनाब, दूध पत्ती हो गई। डे थ्री और वेडिंग डे। आज का ज़्यादा व्लॉग नहीं है, अभी मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ।